जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बन के तैयार होती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हमारी बिरयानी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 2 किलो चिकन को धो के अच्छे से छन्नी में पानी स्टैंड कर लिया है और लेग पीस को हमने कोई कट नहीं लगाया वरना टूट जाएगी। और पीस हमें इस तरह की लेना है, चपटी चपटी, ये हमारी हथेली जितनी है। इस तरह की पीस लेने से मसाला बहुत अच्छे से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाता है, चिकन बहुत ही जूसी बन के तैयार होता है और टिक्का बहुत लाजवाब बनता है। अब इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 कटोरी दही का पानी स्ट्रेन करके बिल्कुल सूखी दही डालेंगे, 1 चम्मच टिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस के बीज हटा लेना है हमें। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ये रेड कलर का फूड कलर है। अब हम मसाला बहुत अच्छे से चिकन में अप्लाई करेंगे ताकि हमारा चिकन बहुत ही जूसी बन के तैयार होए और हमारा टिक्का बहुत अच्छा बने। इसे हम मैरिनेट करेंगे बहुत अच्छे से। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ये बाइंडिंग के लिए है ताकि हमारा मसाला ना छूटे, हमारा टिक्का बहुत ही अच्छा फिट बन के तैयार हो। अब हम इसमें पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। हम 2 घंटे के लिए ऐसे मैरिनेट कर लिए चिकन को, चिकन को जितना मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है। अब हम इसमें पीस ऐड कर देंगे पैन में, तेल गर्म हो जाए तो। हमें बस इस तरह से पीस रख देना है इसमें और हम ये 2 बार करके फ्राई करेंगे। एक तरफ जब गोल्डन फ्राई हो जाए तो हमें इसे टर्न कर लेना है और फ्लेम हमें फुल रखना है। फुल फ्लेम पे हमें दोनों तरफ इसे फ्राई कर लेना है। फिर 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे भी पका लेंगे उसे पलट पलट के, ताकि जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और जो बाकी रहेगी वो हमारे मसाले में डिप करने में हो जाएगी। अब जो बाकी चिकन है उसे भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये ट्रे में जो मसाले हैं इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे और वो रख देंगे, हम उसे मसाले में इस्तेमाल करेंगे। इसे भी हमें बस उसी तरह से फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ जब गोल्डन फ्राई हो जाए तो 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। बस ये बिल्कुल रेडी हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं चावल की तरफ। इसके लिए हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है पानी में, 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, कुछ काली मिर्च, 2 तेज़पत्ते डाल दिए, 1 बड़ी इलायची डाले। जब पानी बॉयल हो जाए तो चावल ऐड कर देना है। चावल को हमने 1 घंटे के लिए भिगा के रखा था, अब इसमें नमक ऐड कर देंगे। चावल में हमें पानी ज़्यादा रखना है ताकि हमारा चावल खुल के पके। ये हमारा चावल 90% से ज़्यादा पक चुका है, बस हमें 1 कनी बाकी रखना है। अब इसी ऑयल को हम कढ़ाई में डालेंगे। इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 4 छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग ऐड करेंगे, बिरिस्ता ऐड करेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसमें 4 चम्मच अदरक, 4 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन हमें ज़्यादा डालना है, ये टिक्का बिरयानी है तो हमें चटपटा बनाना है बिल्कुल। इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इसे हम ऑयल के साथ फ्राई करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। हरी मिर्च को कट लगा के डाल देना है और 4 टमाटर को गोल स्लाइस में काट लेना है। टमाटर इस तरह से काटने से
बहुत अच्छे से गल जाता है, ना भी गले तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से टमाटर काट लीजिए। अब हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला, हम आगे वीडियो डालेंगे। एक चम्मच हमने भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच भुना जीरे का पाउडर डाला है। एक कटोरी दही को फेंट के डाल देंगे, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हमारी दही पक जाए, अच्छे से फ्राई करेंगे। जब हमारी दही पक जाए तो जो हमने पानी रखा था मसालों का, वो पानी डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से पकाएंगे। अब हमारा मसाला पक चुका है, हम बिरिस्ता डालेंगे। बिरिस्ते का वीडियो हम आगे डालेंगे। बिरिस्ता बहुत अच्छा, बिल्कुल कुरकुरा बन के तैयार होता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो हमने बिरिस्ते को कैसे बनाया इसका वीडियो आप ज़रूर देखना, हम आगे डालेंगे। अब ये रेड चिल्ली डाल देंगे, लाल मिर्च, हरा धनिया डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हरी मिर्च की लाल मिर्च है, सूखी हुई लाल मिर्च नहीं है, ये खूबसूरती के लिए। अब हम इसमें टिक्का ऐड कर देंगे, हमें भूनना नहीं है टिक्के को, बस इस तरह से हमें बिछा देना है। जब ये 2 मिनट इस तरह से पक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। इस तरह से टिक्के को मसालों में डिप करने से हमारा चिकन बहुत ही जूसी टिक्का बन के तैयार होता है और हमारी पीस बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। अगर हम सूखा सूखा डाल देंगे तो हमारी बिरयानी में टेस्ट नहीं आएगा, जैसे फ्राई चिकन हो जाएगा, लेकिन इस तरह से टिक्के का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखिए। आधा मसाला हमारा पीस के साथ निकल गया है, ये देखिए टिक्का है। इसमें हम गुलाब पानी ऐड किए, अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और बिरिस्ता ऐड कर देंगे थोड़ा। अब हमें चावल, खुला खुला चावल इस पे इस तरह से डालते जाना है। एक मसालों की लेयर है, एक चावल की लेयर है हमारी, दो लेयर ही हमें लगाना है। हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, बिरिस्ता ऐड कर देंगे हम। अब ये हमने दूध में रेड कलर डाला है तो ये पिंक कलर का आया, ये हमारी पिंक बिरयानी है तो पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। अब इस तरह से टिक्के को मसाले के साथ ही हमें डाल देना है और जो मसाला टिक्के के साथ निकला है वो भी हम ऊपर से डाल देंगे, तो हमारी 2 लेयर बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो ऑयल और मसाला है बस इस तरह से हमें डाल देना है। अब जो बाकी भी रिश्ता है वो डाल देंगे हम ऊपर से, गुलाब पानी डाल देंगे थोड़ा। अब ये देखिए, ये 3 किलो की बिरयानी है, हमारा 2 किलो चिकन था और 1 किलो चावल है हमारा, 3 किलो की बिरयानी है। अब ये बिल्कुल हमने सेट कर दिया इसे, और नीचे हमें तावा लगाना है या फ्राई पैन है पुराना वो लगा दीजिए। हमने पुराना फ्राई पैन रख दिया है नीचे, क्योंकि नीचे मसाला जलने का डर हो जाएगा इसलिए। लेकिन हमने दूध डाला है ऊपर से तो हमें भाप से बहुत अच्छे से हमारा दम पे हो जाएगा। अब कोयला रख देंगे इसमें हम, इस पर घी डाल देंगे, अब ढक्कन लगा देंगे और ये बहुत ही लाजवाब सी स्मोकी बिरयानी, टिक्का स्मोकी बिरयानी, बहुत लाजवाब बिरयानी बन के तैयार हुई है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही लाजवाब पिंक बिरयानी है ये, पिंक कलर की। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप देख पाए। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब सी बिरयानी है, इतनी अच्छी बिरयानी। एक बार आप ट्राई करोगे तो आप हर बार यही बिरयानी बनाओगे, बहुत अच्छी बिरयानी है। और ट्राई ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
बिरयानी ज़रूर बनाइए, हमें कमेंट करके बताइए आपकी बिरयानी कैसी बनी है। आपको ये बिरयानी बहुत पसंद आने वाली है। इसके पीस देखिए बिल्कुल गल चुकी है, कहीं भी कच्ची नहीं है, बहुत ही लाजवाब सी बिरयानी बनके तैयार हुई है। दुआ में याद रखिए अल्लाह।